हेलो गाइस, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आंवले का मुरब्बा बनाना बताऊंगी, बिल्कुल आसान तरीके से। चलो चलते हैं। ये हमारा आंवला है, इसे अब हम धोएंगे। धोकर फिर हम आपको बताएंगे किस तरीके से करना है हमें। हमने आंवले को धो लिया है, अब इसको हम बताएंगे आपको क्या करना है। अब हमारे पास, अगर आपके पास ऐसे कांटे वाला चम्मच हो, इससे इसमें ऐसे ऐसे चोकना है। हमें इसे इस प्रकार अंदर तक घुसा घुसा के छेद करना है, इसमें ऐसे ऐसे करके। बिल्कुल जल्दी हो जाएगा आपका। इसे हमें इसी तरह हमारे सारे आंवलों को कर लेना है। ये देखिए, आंवलों को हमने बहुत सावधानी से करना है, नहीं तो हमारे हाथों में भी लग सकता है। अब हम पानी उबलने के लिए रखेंगे। पानी को हम गैस पे चढ़ा देंगे और इसे ढक देंगे उबाल आने तक। पानी में हमारे उबाल आ गया है। अब इसमें हम अपने मुरब्बे डालेंगे, जो आंवला है। पानी में अब दोबारा उबाल आने तक हम इसे पका लेते हैं। पानी में हमारा उबाल आ गया, इसे हमने 2 मिनट तक और पका लिया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। अब बर्तन को हम साइड में रख देंगे। अब हम अपना दूसरा बर्तन रखेंगे, इसमें हम चीनी डालेंगे। और चीनी में ही हम अपना आंवला डाल देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसमें हम आधा गिलास पानी ऐड करेंगे, छोटे गिलास से, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। इसमें क्या है, हमारा धीरे धीरे चीनी भी घुलता रहेगा और आंवला भी पानी छोड़ता रहेगा। ज़्यादा हम पानी डाल देंगे तो हमें काफ़ी देर तक पकाना रहेगा, और कम पानी डालेंगे तो हमारी चाशनी मोटी भी होगी और अच्छी भी हो जाएगी और कम समय में भी पक जाएगा। इसमें हम उबाल आने देते हैं। गैस को हम मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। धीरे धीरे हमारी चाशनी भी पकती रहेगी और हमारे आंवले में रस भी भरता रहेगा। चाशनी हमारी तैयार हो रही है, देखिए। इसे हम चेक करते हैं। अभी हम इसे थोड़ा और पकने देंगे। इसमें हम इलायची दाना, ये भी इसी वक्त डाल देंगे। इससे क्या है, हमारा अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसे ऐसे मिक्स कर लेंगे। दस मिनट हो गया है, अब इसकी चाशनी हम फिर चेक करेंगे। इलायची की हमारी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, चाशनी भी हमारे तैयार हो गई है। चाशनी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है।
अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। इस टाइम हमारी चाशनी गाढ़ी है, बाद में ये थोड़ी पतली हो जाएगी। ठंडा होने देते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं। अब इसे हम आंवले को निकाल लेते हैं, दूसरे बर्तन में रख देंगे। आंवले को हमने दूसरे बर्तन में निकाल लिया है, चाशनी हमारी ठंडी हो जाए फिर हम अपने आंवले में चाशनी को डालेंगे। 5 मिनट के लिए हम चाशनी को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। चाशनी हमारी ठंडी हो गई है, अब चाशनी को हम आंवले में डालेंगे। इसे हम कांच के बर्तन में रखेंगे, हम स्टील के बर्तन में नहीं रख सकते हैं, ना हम लोहे के बर्तन में रख सकते हैं। कांच के बर्तन में इसे ढककर रख देंगे और 3 दिन बाद हम इसे चेक करेंगे। हमारी चाशनी अंदर तक अच्छी तरह मीठा से या आंवला तक का मुरब्बा तैयार हो जाएगा। अब इसे हम ढककर 3 दिन बाद देखेंगे। 3 दिन हो गए हैं, अब इसे हम खोल कर चेक करेंगे। हमारा मुरब्बा देखिए चाशनी में डूब गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, बाय बाय।